निजी यूनिवर्सिटी के जेरे एहतमाम मुनक्कदा फैशन डिस्प्ले शो में तलबा व तालबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। फैशन डिजाइनिंग के तलबा ने मुख्तलिफ मवाके और मौसमों की मुनासबत से रंगों का इंतखाब करके ड्रेसेस डिजाइन किए थे, जिनमें कैजुअल, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल लुक के मलबूसात के साथ मैचिंग शूज, पर्स और ज्वेलरी के इंतखाब को खास फोकियत दी गई थी। पायरेट्स का कलेक्शन था, तो उसके बाद सारा मैंने डेक और इवनिंग वियर, गाउन्स और सब कुछ डिज़ाइन किया, क्योंकि हमारे 3 वियर्स होते हैं। फूलों की वादियों से जो है वो सारी एम्बेलिशमेंट्स और सारा कुछ मैंने अपने ड्रेसेस में किया है स्प्रिंग समर के लिए। खूबसूरत और मुनफरिद नजर आना खवातीन की फितरी ख्वाहिश है, मगर अब तो फैशन की दौड़ में सभी आगे निकलना चाहते हैं। लड़कियों के साथ लड़के भी अपनी ड्रेसिंग पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। फैशन डिस्प्ले में मौजूद खवातीन का कहना था कि दौरे जदीद में उनकी कोशिश होती है कि वो लिबास ज़ेब-ए-तन किया जाए जो न सिर्फ दिलकश और दीदा ज़ेब हो बल्कि उन्हें दूसरों से मुमताज़ करे। हर कोई चाहता है कि हम सबसे ज़्यादा डिफरेंट नज़र आए, हमारा इम्पैक्ट सबसे बेस्ट नज़र आए और सबसे डिफरेंट। आजकल तो हर कोई चाहता है कि हमारे लिए ही ड्रेस डिज़ाइन हो, जो चल रहा है सही चल रहा है, जो मतलब कि जो पहनता है जो वो उसी को समझता है कि फैशन है। पास्ट में देखूँ, जब आज से 3 साल पहले, आई एम टेलिंग यू, तब फिलहाल तो तब तो नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक सो बहुत बहुत आगे जा रहा है। फैशन डिस्प्ले में अपने मलबूसात की नुमाइश करने वाले तलबा का कहना था कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री किसी से कम नहीं, यहाँ भी ऐसा टैलेंट मौजूद है जो बैनुल-अक़वामी फैशन इंडस्ट्री के मयार के मुताबिक काम कर रहा है। बदलते मौसमों के साथ फैशन भी तब्दील होते रहते हैं। लड़के हों या लड़कियाँ, जदीद तर्ज के मलबूसात को ही तरजीह देते दिखाई देते हैं। निगार खुर्रम, आज न्यूज़, लाहौर।